दोस्तों इस वक्त जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है कि सीएम की रेस में राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन रहेगा, और सीएम की रेस में बहुत सारे नाम भी आपने शायद यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, कहीं जगह पर देखा होगा कि लगभग 2-3 नाम जो कि आपको भी शायद पता होगा और जिनको दिल्ली भी बुलाया गया है। आपको बता दें उसमें से एक नाम है किरोड़ी लाल मीणा और दूसरा नाम है बाबा बालकनाथ, जिनका सीएम रेस में 1st नंबर बताया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें बालकनाथ सीएम बनने की 1st नंबर की रैंक पे है, लेकिन उनको कई अड़चनें आने वाली हैं। आपको बता दें कल जयपुर के अंदर वसुंधरा राजे के घर पर प्रतिभोज रखा गया विधायकों का, जहां पर लगभग 40 के लगभग विधायक बताए जा रहे हैं जो कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके घर पर उनका प्रतिभोज हुआ और उनसे बातचीत भी की गई। तो इसमें रोड़ा बिल्कुल होने वाला है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तरफ से। तो शायद इनका नाम अभी रेस में है नहीं। अगर बात करें तो किरोड़ी लाल मीणा, जो कि उनको केंद्र के वहां पर बुलाया गया है बीजेपी के मुख्यालय पर, लेकिन आपको बता दें दिल्ली बुलाए जाने के बावजूद भी वो भी रोड़ा इसमें देखने को मिलेगा। आपको बता दें इनके लगभग 25 से 26 विधायक इनकी पकड़ में हैं और वो भी इनके खेमे में आते हैं, वसुंधरा के खेमे में। तो अभी राजस्थान का जो मुख्यमंत्री का दावेदार है वो काफ़ी दिलचस्प हो चुका है और अभी कड़ी पसने वाली है। लेकिन आपको बता दें जो बाबा बालकनाथ है वो 1st नंबर की रेस में अभी भी बने हुए हैं। आपको बता दें अभी कल ही चुनाव के जीतने के जस्ट दूसरे दिन हवा महल सीट से जो बाल मुकुंद आचार्य जी हैं बाबा, उन्होंने अभी फर्स्ट ट्रेलर दे दिया है, यानी कि जो हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुवादी है, वो ट्रेलर लॉन्च कर दिया है इन्होंने। यानी सीधी सीधी आपको बता दें तो इनके विधायकों और यहाँ की जनता के मन में सीधा सीधा इन्होंने बालकनाथ के प्रति प्रेम दिखा दिया गया है। तो दोस्तों कल जो हवा महल विधानसभा में जो मीट की दुकानों को बंद कराया बाल मुकुंद आचार्य की तरफ से, तो वो सीधा सीधा केंद्र की तरफ से टारगेट था कि एक ट्रेलर दिखाया गया था कि अगर बाबा बालकनाथ की तरफ से ऐसे मुख्यमंत्री आता है तो ऐसा ही होने वाला है। तो ये एक ट्रेलर था और जो विधायक वगैरह थे और राजस्थान की जो जनता है उसके मन में भी ये बिठा दिया गया है कि अगर ऐसा मुख्यमंत्री आएगा तो हिंदुत्व की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और विधायकों की नज़र में भी ये बता दिया गया है कि ऐसा ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ना कि ऐसा मुख्यमंत्री बने जो हिंदूवादी विचारधारा को कम देखे और ये जैसे मीट की दुकानें कल बंद कराई गई वैसा होना चाहिए। तो दोस्तों देखना होगा कि बाबा बालकनाथ जी हो मुख्यमंत्री बनते हैं कि नहीं, फिलहाल 1st नंबर पे बताए जा रहे हैं, तो देखना होगा। और आपको बता दें किरोड़ी लाल मीणा की भी पूरी संभावना है। तो ये दो चेहरे हैं जो आपके सामने हैं, इन दोनों चेहरों के अंदर ही मुख्यमंत्री का दावेदार बनने जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हमारा एनालिसिस अच्छा लगे, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर भी कर सकते हैं आप। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।